मोबाइल एप्लीकेशन एक और इसके फायदे अनेक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र नेहरा, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके फायदे अनेक हैं और एप्लीकेशन एक है। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हो, कहीं आपका ट्रेन से आना जाना होता है, तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में तो होना ही चाहिए। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें फीचर हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक एक करके इसके बारे में बता देता हूँ। आपको भले थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, पर एक एक फीचर अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि कैसे इसके फायदे हैं और कैसे ये काम करता है। तो चलिए मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है। तो ये है वो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है वेयर इज माई ट्रेन। और ये आपके मोबाइल में तो होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके फटाफट बता देता हूँ कि कैसे काम करती है। मैंने किया इसको ओपन और देखते हैं ओपन होने के बाद क्या रिजल्ट सामने आता है। तो यहाँ पर है स्पोर्ट और यहाँ पर है PNR नंबर और यहाँ पर सीट्स। तो यहाँ पर मैं फटाफट से डाल देता हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो मैं फ्रॉम और टू डाल देता हूँ फटाफट। तो इस पर क्लिक किया और यहाँ पर डाल देता हूँ जबलपुर, और एग्जांपल के लिए नीचे डाल देता हूँ सोमनाथ, ठीक है। और फाइंड ट्रेन पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है सामने। तो देखिए यहाँ पर जो भी ट्रेन जाने वाली होंगी वो हाईलाइटेड हो जाएंगी जिस तारीख को जाने वाली होंगी, और इस दिन जो जाने वाली होंगी वो ग्रे आउट हो जाएगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने किया इस पर क्लिक, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट सामने आता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ऊपर देखिए यहाँ पर है यस्टरडे, ठीक है। तो अगर हम अभी यस्टरडे मतलब ये 6 तारीख को जो गाड़ी अभी राजकोट बता रहा है ना, तो ये जबलपुर ऊपर करके मैं बता देता हूँ आपको, मतलब 6 तारीख को, आज तारीख के साथ, तो 6 तारीख को जो जबलपुर से गाड़ी निकली थी ना, तो अभी राजकोट पहुँची है इस टाइम पे, इसलिए ये राजकोट बता रहा है। देख लीजिए ये रहा राजकोट। तो अभी तो देखिए जो गाड़ी 6 तारीख को निकली थी जबलपुर से वो अभी राजकोट बता रहा है यहाँ पर इस टाइम पे, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ओके, तो ये जो गाड़ी 6 तारीख को निकली थी ना वो अभी राजकोट में है। और यहाँ पर अगर मैं एसटीडी की जगह टुडे करता हूँ, ये रहा टुडे, तो देखिए क्या रिज़ल्ट आता है सामने। तो थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और देख लीजिए यहाँ पर करेली के आसपास बता रहा है। तो मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि 11:40 पर जबलपुर से प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जो गाड़ी निकली है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, वो फ़िलहाल 1 बज के आसपास पर अभी इधर करेली के बीच में बता रहा है। देखिए यहाँ पे बता रहा है थोड़ी देर के बाद करेली आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी ट्रेन का लोकेशन पता कर सकते हो कि वो फ़िलहाल अभी इतनी टाइम कहाँ पर हो सकती है। तो है ना ये बड़े काम की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। चलिए और कुछ बता देता हूँ मैं इसके बारे में। इस एप्लीकेशन की और एक ख़ास फीचर में मैं बता देता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर है लाइव स्टेशन। अगर आप यहाँ पर लाइव स्टेशन में किसी प्रकार का कोई स्टेशन सेलेक्ट करोगे तो सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया जबलपुर, तो देखिए लाइव स्टेशन में मैंने जबलपुर सेलेक्ट किया, तो देखिए क्या क्या रिजल्ट आता है सामने आपके। तो देखिए जबलपुर की तरफ आने वाली सारी गाड़ी और जबलपुर से जाने वाली सारा टाइम टेबल, गाड़ी नंबर, गाड़ी का नाम और कितना लेट है, प्लेटफॉर्म नंबर, सारा डिटेल यहाँ पर शो कर देगा। तो देखिए एग्जांपल के लिए ये जो ऊपर बता रहा है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि गाड़ी नंबर है 16794 और गाड़ी का नाम है श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस, और ये गाड़ी कहाँ से आ रही है, फैजाबाद जंक्शन से, और कहाँ की कहाँ जा रही है, रामेश्वरम। इस बात को समझना, ये जो ग्रीन कलर का सिग्नल है तो ये यहाँ से गाड़ी आई है और जो रेड कलर का है इस तरफ ही जा रही है। तो अब आप सोचोगे कि जबलपुर बीच में आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये एप्लीकेशन सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर जबलपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी, इसका सही टाइम है 12:55 पे, लेकिन अभी 1:28 पे पहुंचने वाली है, मतलब 33 मिनट लेट है। अगर जितने भी मिनट लेट होगी तो यहाँ पर लिख के बता देगा। तो देखिए यहाँ गाड़ी का नंबर है 16794, तो मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि गाड़ी जबलपुर में आएगी कि नहीं आएगी, या 12:55 है इसका सही टाइम, तो ये एप्लीकेशन फेक है या रियल है, तो मैं इसका बता देता हूँ अभी प्रूफ के साथ में।
तो मैं दूसरे एप्लीकेशन में भी खोल के बताता हूँ। तो गाड़ी नंबर मैं याद कर लेता हूँ, 1674 मैंने खोला है। इंडियन रेलवे दूसरा एप्लीकेशन है, और यहाँ पर है ट्रेन शेड्यूल, तो इस पर क्लिक किया मैं, और यहाँ पर डाल देता हूँ 1674। तो मैंने यहाँ पर डाला 1674 और गेट ट्रेन शेड्यूल पर क्लिक करता हूँ। तो थोड़ी देर लोडिंग होगा और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है, गाड़ी का नंबर है 1674, और यहाँ पर बता रहा है फैजाबाद जंक्शन से, ये किधर बता रहा था मैं, रामेश्वरम। देखिए तो जबलपुर कितने बजे पहुँचाने वाली थी गाड़ी, कहाँ गया जबलपुर, ये रहा जबलपुर, 12:55 पे पहुँचाने वाली थी। तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल रियल टाइम बताती है कि जबलपुर 12:55 पे इसका टाइम है पहुंचने का। चलिए वापस आते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ, वेयर इज माई ट्रेन, और यहाँ पर है PNR नंबर। हमने तो देख लिया कहाँ से कहाँ तक जाना है, और यहाँ पर लाइव स्टेशन भी देख लिया, और यहाँ पर है PNR नंबर। पर PNR नंबर के लिए ये एप्लीकेशन इतना कोई ख़ास नहीं है, मैंने इस पर ट्राई कर लिया है, इससे अच्छा तो मेरा वो वाला एप्लीकेशन है जिसको जिसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, और यहाँ पर है सीट्स अवेलेबल के लिए, तो ये भी बहुत कुछ खास काम नहीं करता। इससे अच्छा तो मैंने चेक किया था कि मेरा वो वाला एप्लीकेशन बहुत फास्ट काम करता है और सही रिजल्ट देता है। अगर आप इससे करोगे तो ये रीडायरेक्ट होके अब वेबसाइट पर खोल देगा। तो ये PNR नंबर और सीट्स अवेलेबल के लिए ये एप्लीकेशन मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, पर हाँ स्पोर्ट्स पर क्लिक करके और यहाँ पर अपनी ट्रेन देख सकते हो कि कहाँ पर पहुँचा है मेरी ट्रेन, और कल जो ट्रेन निकली थी वो अभी कहाँ पर पहुँची होगी, और आज जो निकली है वो कहाँ पर पहुँची है अभी, और ये लाइव स्टेशन से कितनी ट्रेन आती हैं कितनी ट्रेन जाती हैं, इसका रियल टाइम क्या है और ये कितने घंटे लेट है। तो ये दो काम के लिए ये एप्लीकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है कि मैंने किस एप्लीकेशन से वो वाला वीडियो बनाया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।